निर्भया के साथ जो हादसा हुआ 4 साल हो गया, आप पूछ रहे क्या बदला, तो हमारे नज़र में तो कुछ बदला नहीं है, क्योंकि व्यवस्था आज भी वहीं की वहीं पड़ी है। बल्कि 2012 में जो घटना हुई और जिस तरह से लोग सड़कों पे आए, सबके अंदर एक जोश भरा कि नहीं अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दिनों दिन देश की हालात और बदतर से बदतर होती चली जा रही है। अब तो यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल की बच्चियों के साथ भी बलात्कार हो रहा है। तो क्या बदला है, तो हम नहीं कह पाए, क्योंकि बदला ही कुछ नहीं तो कहें क्या, बल्कि और दिनों दिन स्थिति खराब होती चली जा रही है। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिर इसका जिम्मेवार है कौन। हर एक की अपनी अपनी नज़रिया है। देखिए, इस तार के माध्यम से हमारी जो कोई भी आवाज़ सुन रहा है, ऐसे ही नेताओं की आवाज़ भी सुनी जाती है। तो नेताओं की आवाज़ तो जनता बड़े आराम से सुन लेती है, उस पर अमल भी करती है, लेकिन सत्ताधारी लोग आम आदमी की आवाज़ नहीं सुनते हैं। और जो सुनेगा ही नहीं कोई, तो करेगा क्या। इसी वजह से आज हमारे देश में जो स्थिति बनी पड़ी है महिलाओं की, इसका कारण यही है। आज 4 साल पूरे हो गए और साले साल बदल गई, हर साल 16 दिसंबर आ जाता है, लेकिन बच्ची तो क्या वापस मिलना, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 4 साल से हमने इतना संघर्ष किया, हर जगह भटकी, लेकिन फिर भी अभी तक मुजरिमों को सजा नहीं मिली। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक इंसाफ मिलेगा। उस टाइम इतना लोगों में आक्रोश था, सरकारें भी जग गई, कानून व्यवस्था भी लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम आज भी हालात वहीं की वहीं हैं। सब कुछ बदल गया, सरकारें भी बदल गई, साले साल आज 4 साल पूरा हो गए, लेकिन हालात वहाँ के वहीं हैं। आज भी घटनाएं हर रोज़ हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कानून व्यवस्था है, अपनी गति से अपना काम नहीं कर रहा है। ना ही किसी के मन में कोई कानून का खौफ है, ना डर है, खुलेआम घटनाएं हो रही है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें समाज को भी बदलने की ज़रूरत है।